हेलो दोस्तों, डिजिटल क्लासरूम च तुहाड़ा स्वागत है। तो अज्ज दे इस वीडियो लैसन दे विच आपां डिस्कस करन जा रहे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है साउंड। तो जिवें कि आपां जाणदे हां कि अपने सिलेबस दे विच जर्नल साइंस आपां नूं एज ए सबजैक्ट आउणा है, ते जर्नल साइंस जो सबजैक्ट है इस दी कां जो सब पार्ट्स ने जो कि फिजिक्स कमिस्ट्री बायोलॉजी है, इस दे विच फिजिक्स दे दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने, एक तां हैगा साउंड ते इक हैगा लाइट। तो इन्हां दोवें टॉपिक्स दे विचों PPSC काफ़ी बार क्वेश्चन पुछदा है, तो इस करके इन्हां दोवें टॉपिक्स नूं अपना कवर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अज्ज दे इस वीडियो लैसन दे विच आपां साउंड टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं। तो जेकर तुसीं अजे तई साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो इसनों सबसक्राइब कर लो, तो बैल आइकोन प्रेस कर दो। ये तो मेरी फ्यूचर के वीडियोज़ आनगिया उन्होंने जो नोटिफिकेशन है वह मिलता रहेगा। तो अपना जो अज का लैसन आप इस स्टार्ट करते हैं। तो सब तो पहले आप जानते हैं कि अपने लिए जो साउंड है वह इंपॉर्टेंट क्यों है, जो साउंड है इसकी इंपॉर्टेंस की है। तो जेकर तुसी इत्थे बैठे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, इस लैक्चर नूं सुन पा रहे हो, तो उसका कारण की है? ये साउंड ही है। तो जो साउंड है वह कम्युनिकेशन दे विच हेल्प करती है, ठीक है। उस तो बाद तुसी म्यूजिक वगैरह सुनते हो, तो आपां नूं म्यूजिक सुनने के लिए की चीज़ चाहिए? साउंड चाहिए, क्योंकि म्यूजिक भी की है, साउंड ही है, है ना। तो उस तरह जो हाइड एंड सीक गेम है वह पॉसिबल ही नहीं सी खेलनी जेकर साउंड ना होंदी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है साउंड दी जिहड़ी कि आपां हुण कवर कीती है। तो उस तो बाद हुण आपां गल करते हैं कि साउंड एक की चीज़ है। तो जो साउंड है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो साउंड की है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो साउंड है ये एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट तक किद्दां जांदी है? तो ये जो साउंड है एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट ताईं वेव्स की फॉर्म के जाती है। किस फॉर्म के जाती है? वेव्स की फॉर्म। अगे जो इंपॉर्टेंट जानकारी तुसी ध्यान दे विच रखनी है, ध्यान दे विच रखनी है कि जो साउंड वेव्स हुंदियां ने इन्हां दा की करैक्टर है। तो जो साउंड वेव्स ने अपनिया, ये जो वेव्स हुंदियां लोंगीट्यूनल, लोंगीट्यूनल मकैनिकल वेव्स हुंदियां, ठीक है। तो ये तुसी ध्यान दे विच रखना ही रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो साउंड वेव्स ने ये किहड़ियां वेव्स हुंदियां? तो ये लोंगीट्यूनल मकैनिकल वेव्स होंदी हैं। तो हुण आपां डिस्कस करते हैं भी लोंगीट्यूनल ते मकैनिकल वेव्स का मतलब की है। सब तो पहला आपां जानते हैं कि मकैनिकल वेव्स किहड़ियां होंदियां। तो मकैनिकल वेव्स वो वेव्स होंदियां जिन्हां नूं एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट ताईं जाण दे लई किसी मीडियम की जरूरत होंदी है, ठीक है। तो वह वेव्स नूं आपां किहड़ियां वेव्स कहिंदे? मकैनिकल वेव्स कहिंदे। एक होर प्रकार दीआं वेव्स भी होंदियां, तो वह किहड़ियां होंदियां? इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स, इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। तो ये जो वेव्स होंदियां इन्हां नूं एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट तक जाण दे लई किसी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं होंदी, जबकि मकैनिकल वेव्स जो होंदियां उन्हां नूं एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट ताईं जेकर उन्होंने जाना है तो उन्होंने मीडियम की जरूरत पैंदी है। उस तरह जो साउंड वेव्स ने यह जेकर एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट ताईं ट्रैवल कर पा रही हैं तो उसका कारण की है कि इत्थे कोई ना कोई मीडियम है। ये जो मीडियम है कुछ भी हो सकता है, ये जो मीडियम है सॉलिड भी हो सकता है, ये जो मीडियम है लिक्विड भी हो सकता है, ये जो मीडियम है यह गैस भी हो सकती है, ठीक है। तो जिवें आपां जानते हैं भी एक व्यक्ति जेकर इत्थे कुछ खड़ा बोल रहे तो दूजा व्यक्ति इत्थे खड़ा उहदी आवाज़ क्यों सुन पाउंदा है? क्योंकि इत्थे जो मीडियम हुंदा उह की हुंदा? एयर मीडियम हुंदा, ठीक है। तो इत्थे तुसी ध्यान दे विच रखनी है जो चीज़ कि जो साउंड वेव्स ने यह वैक्यूम दे विचों ट्रैवल नहीं कर सकदियां। कारण की है? वैक्यूम का मतलब की है जो स्पेस है वह की है? खाली है। उसके विच ना तो लिक्विड है, ना सॉलिड है, ना ही गैस है, ठीक है। वो स्पेस जो है बिल्कुल खाली है। तो आप हुण गल करके हटे हैं कि जो साउंड वेव्स ने इन्हां नूं ट्रैवल करन दे लई की चाहिए? मीडियम चाहिए। जेकर उत्थे कोई चीज़ है ही नहीं, उत्थे सब कुछ खाली है, तो इहदा मतलब की है कि उत्थे वैक्यूम है, तो जो साउंड वेव्स है वह खाली जगह दे विचों ट्रैवल नहीं कर सकदियां, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ सी तुसीं ध्यान दे विच रखनी सी। तो हुण आपां गल करते हैं दूजी टर्म के बारे, लोंगीट्यूनल टर्म के बारे। तो यह जो लोंगीट्यूनल टर्म है इसका की मतलब है? जो डिस्टर्बेंस ने इस वेव्स को प्रोड्यूस किया है, तो ये जो वेव्स का मूवमेंट है वह दोवें सेम डायरेक्शन वाले दे हुंदे है, ठीक है, ठीक है। तो इदा दियां जो वेव्स हुंदियां उसनों आपां लोंगीट्यूनल वेव्स कहिंदे आ। जेकर जो चीज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है ਅਤੇ जो मूवमेंट है वह 90 डिग्री के एंगल पर होवे तो आप कहें कि वो जो वेव्स ने किहड़ियां ने? ट्रांसवर्स वेव्स ने। किहड़ियां वेव्स ने? ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो इत्थे मैं जो गल कर रहा इत्थे मैं लोंगीट्यूनल वेव्स की गल कर रहा सी। जो लोंगीट्यूनल वेव्स है उस दे बारे मैं तुहानूं दस चुके हैं कि लोंगीट्यूनल वेव्स दे विच की हुंदा है कि जो डिस्टर्बेंस हुंदी है ते जो मूवमेंट हुंदा है वेव का बिल्कुल सेम डायरेक्शन वाल हुंदे ने, ठीक है। तो इस नूं मैं तुहानूं एक पिक्चर दे नाल समझाउणा चाहूँगा।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੀਟਿਊਨਲ ਵੇਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੌਂਗੀਟਿਊਨਲ ਵੇਵ ਜੋ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੌਂਗੀਟਿਊਨਲ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਵੇਵ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਵੇਵ ਦਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇਖੋ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਇਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਲੌਂਗੀਟਿਊਨਲ ਵੇਵ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਨਲ ਵੇਵ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਲੌਂਗੀਟਿਊਨਲ ਵੇਵ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵਸ ਦੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਲਾਈਡ ਹੈ, ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਨਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਨਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੇ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੂਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਰੁਕ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗਿਟਾਰ ਕਦੇ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੰਪਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੰਪਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੋਇਸ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੋਇਸ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਨੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੇਨੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੋਇਸ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੋਇਸ ਬਾਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੋ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਕਲ ਕੋਰਡ ਦੇ
होने दे नाल, ठीक है। इहदा मतलब वाइब्रेशन हो रही है, जिथे वाइब्रेशन होगी उत्थे ही साउंड की होगी प्रोड्यूस होगी। तो यह जो जानकारी है तुसी ध्यान दे विच रखनी है, एक बार मैं फिर रिपीट की है, ठीक है। उस तो बाद आपां हुण गल करिए लिनक्स की, तो इत्थे तुसी लिनक्स की जो पिक्चर आ वेख सकते हो। तो उस तो बाद इंपोर्टेंट जो चीज़ तुसी ध्यान दे विच रखनी है, वह ध्यान दे विच रखनी है कि बंदियां दी आवाज़ ते औरतां दी जो आवाज़ हुंदी है उहदे विच मोटे भारे पणदा जो फर्क है वह क्यों आपां नूं वेखण नूं मिलता है। तो उहदा कारण की है, जो वोकल कोड है बंदियां दी वह 20 मिलीमीटर की हुंदी है लंबी हुंदी है, तो औरतों की 5 मिलीमीटर शॉर्टर हुंदी है मर्दां दे मुकाबले। तो बच्चों की भी जो ये वोकल कोड हुंदी है बंदियां दे मुकाबले की हुंदी है घट हुंदी है, ठीक है। पर जिवें जिवें उम्र वधदी जांदी है उवें उवें इहदी जो लेंथ है वह की हुंदी जांदी है इनक्रीज़ हुंदी जांदी है, तो अपनी आवाज़ दे विच जो भारापण है वह आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यह जो जानकारी है तुसी ध्यान दे विच रखनी है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है ये। तो उस तो बाद जेकर आपां साउंड के करैक्टर्स की गल करिए, साउंड के जो करैक्टर्स ने वह तीन ने। सब तो पहला हैगा लाउडनैस, दूजा हैगा पिच, तो तीजा हैगा क्वालिटी। तो आप तिने चीज़ों वन बाय वन समझते हाँ। तो सब तो पहला जेकर मैं लाउडनैस की गल करा, तो लाउडनैस की चीज़ है, तो लाउडनैस हैगी आवाज़ की जो मैगनीट्यूड है वह कितना ज़्यादा है, ठीक है। आवाज़ का मैगनीट्यूड मतलब आवाज़ घट आ रही है कि वध आ रही है। जेकर आप हौली बोलेंगे तो आवाज़ घट आऊगी, जेकर ज़्यादा उच्ची बोलेंगे तो आवाज़ ज़्यादा आऊगी, है ना। तो यह लाउडनैस है, लाउडनैस की है मैगनीट्यूड है। तो उस तो दूजी जो चीज़ है कि पिच है, पिच का मतलब की है कि आवाज़ के भारीपन किन्ना है, ठीक है। तो तुम जानते हो भी पिच जो हैगी है ये मतलब मर्दा के लिए कुछ होर है, तो औरतों के लिए कुछ होर है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं भी जो बंदे होंगे ने इन्हों के लिए जो पिच हुंदी है वह की हुंदी है लो हुंदी है, जिदे करके उन्हां दी जो आवाज़ हुंदी है वह ग्रेव हुंदी है, ठीक है। जेकर आप औरतों की गल करिए तो औरतों की आवाज़ की हुंदी है श्रिल हुंदी है, तो उहदा कारण की है कि उन्हां दी जो पिच हुंदी है वह की हुंदी है ज़्यादा हुंदी है, ठीक है। तो इस चीज़ नूं तुसीं ध्यान दे विच रखना है, ठीक है। तो मोटापन ते पतलापन जो आवाज़ दे विच हुंदा है वह पिच है तुहाडी। उस तो तीजी जो चीज़ है वह हैगी क्वालिटी। क्वालिटी आप जानते हैं भी आवाज़ किन्नी की डिस्टोर्टड है, ठीक है। आवाज़ किन्नी की मतलब बेकार आ रही है, वो क्वालिटी किहो जी है, ठीक है। तो उसनों आप कहने क्वालिटी, ठीक है। तो हुण मान लो भी दो चीज़ों तो आवाज़ आ रही है, एक गिटार तो आवाज़ आ रही है तो एक टीवी तो आवाज़ आ रही है। तो आप दोवें आवाज़ों के विच डिफरेंस किदा फाइंड आउट करांगे, तो तीन चीज़ों के नाल आप डिफरेंस वेख सकांगे भी इन्हां दोवें आवाज़ों के विच जो फर्क है वह की है, ठीक है। सब तो पहला आप वेखांगे भी लाउडनैस कि ज़्यादा है कि घट है, फिर आप वेखांगे भी पिच के विच की फर्क है, कि आवाज़ जो है ग्रेव है, कि आवाज़ श्रिल है, ठीक है। तो उस तो क्वालिटी केड़ी है, केड़ी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है, केड़ी आवाज़ ज़्यादा माड़ी है, ठीक है। तो तीन करैक्टर ने जो कि तुसी ध्यान दे विच रखने ने, ठीक है। तो ये तिने करैक्टर जो ने तुसी याद रखने ने। कई बार इस दे नाल रिलेटड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता हुंदा है, ठीक है। उस तो बाद अगे आप पढ़ते हैं भी जो साउंड है, साउंड नू मूव करन दे लई की चाहिए, एक मीडियम चाहिए। तो ये बारे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो साउंड है, साउंड नू एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट तक जाने दे लई की चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक है। तो जेकर मीडियम नहीं हैगा तो उत्थों साउंड जो की नहीं कर सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है। तो यह भी जानकारी तुसी ध्यान रखनी है, तो तुसी पहला ध्यान रख भी ली होगी, ठीक है। तो ये हुण जिवें आप जानते हैं भी जो साउंड है सॉलिड्स लिक्विड्स गैस के विच की कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। लेकिन जो साउंड है वह सब तो ज़्यादा फास्ट किहड़े विचों मूव करती है, तो साउंड सब तो ज़्यादा फास्ट मूव करती है सॉलिड्स के विच, उस तो बाद लिक्विड के विच, ते उस तो बाद गैसेस के विच, ठीक है। तो सब तो ज़्यादा जो साउंड है किहदे विचों मूव करती है सॉलिड के विचों, ठीक है। तो उस तो घट लिक्विड, तो उस तो घट गैसेज के विचों। ये जो जानकारी है तुसी ध्यान दे विच रखनी है। तो वैक्यूम के विच जो साउंड है वह ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है। तो यह जो इंपोर्टेंट जानकारी सी तुसी ध्यान दे विच रखनी है। तो मैं तुहानू दस देवां कि जेकर आपां एयर दे विच गल करिए कि एयर दे विच साउंड की स्पीड किन्नी हुंदी है, तो एयर दे विच जो साउंड की स्पीड हुंदी है वह तुहाडी हुंदी है 332 मीटर पर सैकेंड। तो इसनों तुसी रट्टा मारना, बहुत इंपोर्टेंट है यह चीज़। तो जेकर एयर का जो टैंपरेचर है वो 1 डिग्री की हो जाए इनक्रीज़ हो जाए, टैंपरेचर 1 डिग्री इनक्रीज़ हो जाए, 1 डिग्री इत्थे की है सैलसीयस है, ठीक है। तो किन्नी आवाज़ की स्पीड के विच फर्क आता है, तो आवाज़ की जो स्पीड है वो तुहाडी 0.61
0.61 मीटर पर सैकेंड की हो जाती है, इनक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यह जो जानकारी है तुसी ध्यान दे विच रखनी है, इंपोर्टेंट ही बनती है। ठीक है, तो टैंपरेचर अते जो साउंड की स्पीड का रिलेशन है वह किदां दा है, तो वह भी मैं तुहानू दस दिंदा है कि वी डायरैक्टली प्रपोर्शनल है अंडरूट टी दे। ठीक है, तो इत्थे टी की है, टैंपरेचर है अपनी गैस का, एयर का। ठीक है, तो उस तो बाद अगे आप गल करते हैं अपनी अगली स्लाइड के बारे। तो इतने तुम वेख सकते हो कि सॉलिड्स के इतने लिखा हुआ है कि स्टील की जो स्पीड है, मतलब स्टील के जो साउंड की स्पीड है वह कि 5920 मीटर पर सैकेंड है। तो लिक्विड केड़े लिक्विड वाटर की, वाटर के जो साउंड की स्पीड है वह कि 1480 मीटर पर सैकेंड। तो गैसिज खास तौर पर मैं कि गल करें एयर की, तो एयर के जो स्पीड है साउंड की वह कि 330 मीटर पर सैकेंड। तो यह तीनों जो पॉइंट्स आ तुसी ध्यान रखने ने, 5920 की स्टील की है मीटर पर सैकेंड, ठीक है, 1480 की दी अपनी वाटर दे विच, ते उस तो बाद 330 की दी है अपनी एयर दे विच। ठीक है, तो ये तिने जो पॉइंट ने तुसी ध्यान दे विच रखने हैं। ठीक है, उस तो बाद आपां गल करते हैं कि जो मनुख है, मनुख आवाज़ किदां सुनदा है। तो मनुख जो आवाज़ सुनदा है वह अपनी ईयर की हैल्प दे नाल सुनदा है। तो ईयर दे विच तुसी जानदे हो कि ईयर का जो बाहरी हिस्सा है उसनू आपां पिन्ना कहने आ, ते उस तो बाद जो ईयर का परदा हुंदा है, ठीक है, तो उसनों आप कहने उसनों आप कहने ईयर ड्रम। ठीक है, तो यह जो पिन है यह जो आवाज़ है उसनों कलैक्ट करने हैल्प करता है। तो उस तो बाद वो जो आवाज़ है वह तुहाडे ईयर ड्रम के उत्ते वजदी है। ठीक है, तो उस तो बाद यह जो आवाज़ है इत्थे खास जो सैल्स ने उन्होंने द्वारा सिग्नल दे विच चेंज कर दी जाती है, तो फिर उस तो बाद दिमाग ते पहुँचा दी जाती है। ठीक है, तो यह जो जानकारी है तुसी ध्यान रखनी सी। तो हुण आपां गल करदे आं ऑडिबल ते इन ऑडिबल साउंडस दे बारे। तो जो ऑडिबल्स साउंडस हुंदियां ते इन ऑडिबल साउंडस हुंदियां उह कहिड़ियां हुंदियां, तो इत्थे नाम तो ही आपां नूं पता लग रहा है कि ऑडिबल साउंडस उह हुंदियां जिहड़ियां कि ऑडिबल ने, जो कि सुनिया जा सकदियां ने। ठीक है, तो ह्यूमन जो हैगा इह 20 हर्ट्ज़ फ्रीकुएंसी तो 20,000 हर्ट्ज़ फ्रीकुएंसी ताईं दियां जो साउंडस है उहनां नूं सुन सकदा है। ठीक है, इत्थे हर्ट्ज़ की ने अपने फ्रीकुएंसी दे यूनिट ने, फ्रीकुएंसी दे यूनिट की ने अपने हर्ट्ज़ ने, HZ इहदा की है सिंबल है। ठीक है, तो इस नूं तुसी ध्यान दे विच रखना है। तो इस तो जेकर आवाज़ की फ्रीकुएंसी की है घट है जां फिर इस तो की है ज़्यादा है, तो मनुख नूं उह जो आवाज़ है वह सुननी नहीं। ठीक है, तो यह जो जानकारी है तुसी ध्यान दे विच रखनी है। तो जो आवाज़ा 20 हर्ट्ज़ तो घट फ्रीकुएंसी दियां हुंदियां ने उन्हां नूं आपां कहिंदे इनफ्रासोनिक, इनफ्रासोनिक। ठीक है, तो जिहड़ियां आवाज़ां 20,000 हर्ट्ज़ तो ज़्यादा दियां हुंदियां ने उन्हां नूं आपां की कहिंदे अल्ट्रासोनिक। तो इत्थे लिखा हुआ है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो उस तो बाद जेकर आपां गल करिए कि इनफ्रासोनिक अते जो अपनिया अल्ट्रासोनिक साउंडस ने किन्हां द्वारा प्रोड्यूस कीतियां जांदियां ने, तो जो इनफ्रासोनिक साउंडस ने तुहाडियां इह प्रोड्यूस कीतियां जांदियां ने फ्रेंड्स अते रिनोसोर्स दे द्वारा। ठीक है, तो यह जो जानकारी है तुसी ध्यान दे विच रखनी। उस तरह जो अल्ट्रासोनिक साउंडस ने यह डॉग्स हो गए, बैट्स हो गई, कैट्स हो गई, ठीक है, ये की करते हैं प्रोड्यूस करते हैं तो सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो यह जो जानकारी है तुसी ध्यान दे विच रखनी है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक दे नाल रिलेटड बैट्स नाल रिलेटड एक क्वेश्चन पूछा जाता हुंदा है कि बैट्स जो हुंदियां ने उह जदों आसमान दे विच उड़ रही हुंदियां ने तो उस वेले वह अपनी डायरैक्शन अचानक चेंज किवें कर लेंदियां ने जदों उन्हां सामने कोई चीज़ आ जाती है, तो वह की करदियां ने अल्ट्रासोनिक जो साउंडस हुंदियां ने उन्हां दी हैल्प लैंदियां ने। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक साउंडस नूं वह की करदियां ने प्रोड्यूस करदियां ने, तो जदों अल्ट्रासोनिक साउंड किसी चीज़ दे नाल टकरा के वापस आउंदी है उन्हां बैट्स कोल, तो उन्हां नूं पता लग जांदा है भी सामने कोई ओबस्टैकल है, तो आपां नूं अपनी डायरैक्शन चेंज करन दी हुण जरूरत है। ठीक है, तो इदा जो बैट्स ने वो अल्ट्रासोनिक जो साउंडस ने इन का यूज़ लेंदियां ने। ठीक है, उस तो बाद आप अगे डिस्कस करते हैं ईको बारे। ठीक है, तो आप ईको बारे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपू एग्जाम ईको के नाल रिलेटड एक बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता होंगे। ठीक है, तो ईको दियाँ जो एप्लीकेशनस ने वह भी बड़िया इंपोर्टेंट ने। ठीक है, तो ईको की चीज़ है, तो ईको है इस दे विच जो फिनोमना अप्लाई हुंदा है लगता है वह किहड़ा रिफलैक्शन ऑफ साउंड है। ठीक है, तो जदों साउंड एक चीज़ के नाल टकरा के वापस आती है तो आप उसनों की कहने ईको कहने। ठीक है, तो ईको मतलब की है कि आवाज़ की है
गूंज रही है ना, आप कहने हुंदे ने वो आवाज़ की करी गूंज रही है, तो कारण की हुंदा भी इको बन रही हुंदी है, जो आवाज़ है वो किसी चीज़ ने टकरा के वापस आ रही हुंदी है। ठीक है, तो इसनों आप की कहने ईको कहने रिफलैक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो ईको आप कि चीज़ों के यूज़ करते हैं, तो जो सुनार ने जो कि अपने साउंड नैविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम है, इस दे विच आपां की करते हैं ईको का ही यूज़ करते हैं। किस चीज़ लिए करते हैं, ताकि जो समुद्रां दे विच सीज दे विच जो सबमरीन्स वगैरह ने जो कि लुकिया हुई ने उन्होंने आप डिटेक्ट कर सकीए। ठीक है, तो इसलिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता, साउंड नैविगेशन एंड रेंजिंग इसका यूज़ किया जाता है, जिदे विच जो चीज़ अप्लाई होंगी वह की होंगी ईको का फनोमना ही अप्लाई होंगे। ठीक है, तो यह जो चीज़ आ तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। ठीक है, तो उस तो बाद एक होर क्वेश्चन पूछा जाता होंगे, वो क्वेश्चन की पूछा जाता होंगे कि जिहड़ी अपनी ऑडिटोरियम दी वॉल्स ने, ऑडिटोरियम दी जो वॉल्स ने उन्हां दे उत्ते आपां पोरस स्क्रीन दे नाल उसनु कवर क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसका कारण की है कि ऑडिटोरियम दे विच जो ईको है वह ना बन सके। ठीक है, तो ईको जेकर बनूगी तो जो आप आवाज़ अपने लोगों तक पहुँचा चाहते हैं उन्होंने तक पहुँचनी नहीं, क्योंकि आवाज़ गूंजूगी तो अपनी जो आवाज़ है वह की होगी, मिक्स होगी अपनी ही आवाज़ के नाल। ठीक है, तो आवाज़ की जो क्वालिटी है वह अच्छी नहीं रहनी, तो उसनू आपां खत्म करने के लिए की करते हैं, पोर स्क्रीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस दे नाल की हुंदा है कि जो ऑडिटोरियम दियां वॉल्स के उत्ते जो आप इस यूज़ करते हैं तो ईको बन्नी हट जाती है, क्योंकि यह जो चीज़ है की करती है साउंड नू अबजॉर्व कर लेंदी है। ठीक है, तो जो एक्चुअल साउंड है वह आपां की है सुन पाती है। ठीक है, तो यह जो जानकारी है तुसी ध्यान दे विच रखनी सी। तो उस तो बाद हुण आपां अगे डिस्कस करते हैं, तो इत्थे मैं बनाया हुआ है कि सुनार जो प्रिंसीपल है, मतलब जो साउंड एंड नैविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम है, इसका प्रिंसीपल की है। तो इसका प्रिंसीपल मैं तुम्हें दसिया भी जो एक सेंडर है उसके द्वारा की कित जाती वेव्स सेंड किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट के उत्ते वज के जो साउंड जो वापस आदियां ने, तो यह जो चीज़ है ये डिटेक्ट कर लेंदी है कि हाँ भी अगे कोई ना कोई की एक ऑब्सटेकल है। ठीक है, तो उस तो बाद हम आप गल करते हैं नॉइस पोल्यूशन के बारे। तो जो नॉइस पोल्यूशन है ये की चीज़ है, तो आवाज़ मतलब शोर शराबा है ना, शोर शराबे को आप कहने नॉइस पोल्यूशन कहने हैं। तो आप जानते हैं कि आप जो साउंड है साउंड को किस दे विच मेजर करते हैं, तो साउंड को आप मेजर करते हैं डेसीबल दे विच, जिदे जो सिंबल है वह कि डीबी है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दे विच रखना है। तो डेसीबल नू तुसी डॉपसन दे नाल कंफ्यूज नहीं करना, डॉपसन जो है ये अलग चीज़ है, ये अपनी ओजोन की मोटाई मापन के लिए एक पैरामीटर है, लेकिन इतने जो डेसीबल है ये आप साउंड को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, डेसीबल आप किस लिए यूज़ करते हैं, साउंड को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, इतने तुम्हें ध्यान दे विच रखना है। ठीक है, तो जो साउंड नू मेजर करने लिए आप डेसीबल यूज़ करते हैं, WHO के अकॉर्डिंग किन्ने डेसीबल की जो साउंड है अपने लिए चंगी है, तो 45 डेसीबल की जो साउंड है वो ह्यूमन के ईयरस के लिए की है ठीक है वधिया है। ठीक है, लेकिन जे साउंड जो है इस तो ज़्यादा होगी तो ह्यूमन के ईयरस के लिए चंगी नहीं हैगी, हौली हौली की करेगी कि ये जो आवाज़ा ने ये बंदे दे दिमाग उत्ते उहदे सुनण क्षमता दे उत्ते की पाऊगी इफेक्ट पाऊ। तो मैं तुहानू एक इंपोर्टेंट जानकारी देना चाहुंदा है, तो साढ़े वालों जो मॉक टैसट सीरीज़ है तैयार कर दी गई है, तो तुसी जो मॉक टैसट सीरीज़ है उसनू परचेज़ कर सकते हो। किसी भी एग्जाम नू क्रैक करन दे लई जो मॉक टैसट सीरीज़ है उसनू अटैम्प्ट करके वेखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होंदा। उहदा कारण की है कि इस दे नाल आपां नू पता लगदा है कि साडी तैयारी किन्नी हो चुकी है, तो साढ़े कंपैरिजन दे विच बाकियां दी तैयारी किन्नी अच्छी चल रही है जां फिर किन्नी माड़ी चल रही है। जिवें कि जो भी असी मॉक टैसट कंडक्ट करवा रहे हैं उहदा असी बकायदा एक रिजल्ट अपडेट करते हैं, जिहदे विच असी बाकी सारे कैंडीडेट्स दा की करते हैं स्कोर जो है वह तुहानू शो करते हैं, जिहदा तुहानू पता लगता भी बाकियां दे कंपैरिजन दे विच मेरी तैयारी हजे ताईं किन्नी हुई है। ठीक है, जिवें कि मैं तुहानू दिखा दिंदा कि इत्थे तुसी वेख सकते हो कि जो पहला मॉक टैसट लगा के वेख्या गया सीगा उस मॉक टैसट दे नंबर जो ने 120 क्वेश्चनां दे विचों ए रहे ने। ठीक है, तो यह जो मार्क्स ने इन्हां नू मैं 2.5 दे नाल मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि उसका कारण यह है कि उस दे नाल कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, तो 120 क्वेश्चनां दे विचों जो सब तो ज़्यादा ठीक क्वेश्चन रहे ने दविंदर कुमार दे रहे ने, जिहदे 105 क्वेश्चन ठीक है, उस तो बाद सुनीता जी दे 103 अते प्रदीप
कुमार के 103 क्वेश्चन ठीक ने। ठीक है, तो इतने एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो मॉक टेस्ट सीगा काफ़ी ईजी लैवल वाला मॉक टेस्ट सीगा। जो मैं तुम्हें मॉडरेट लैवल वाला मॉक टेस्ट दिखाऊंगा तो वो वेखोगे कि जो नंबर ने घटे नहीं कैंडीडेट्स के। ठीक है, तो हम एग्जाम का लैवल ईजी भी रह सकता है, मॉडरेट भी रह सकता, हाई लैवल भी रह सकता है। तो अपनी तैयारी उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए है। एग्जाम जेकर मॉडरेट आता तो भी आप उस अटैम्प्ट करते सकते हुई, जेकर वो ईजी आता तो भी आप उस अटैम्प्ट करते हुए, सिमिलरली जेकर हार्ड आता तो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हुई। ठीक है, तो ईजी लैवल के भी देखो तुम कि जो कैंडीडेट जिन्होंने मार्क्स 90 प्लस ने वो सिर्फ तो सिर्फ 15 कैंडीडेट ने। ठीक है, जबकि जो मैं मॉडरेट लैवल का एग्जाम पाया तो मॉडरेट लैवल के एग्जाम के जो 90 प्लस वाले कैंडीडेट से वो कुल तो कुल 6-7 कैंडीडेट से। ठीक है, तो एग्जाम का लैवल जो ही हल्का जहा वध्या तो की हुए नंबर ऑफ कैंडीडेट्स जिन्हों के 90 तो ज़्यादा मार्क्स आए ने, 90 तो ज़्यादा क्वेश्चन ठीक ने, इतने मैं क्वेश्चनों की गल कर रहे हैं, वो घट गए। ठीक है, तो यह जो टेस्ट सीगा लगभग 150 कैंडीडेट्स ने की किया अटैम्प्ट किया। ठीक है, पहला मॉक टेस्ट भी है, दूजा मॉक टेस्ट भी। ठीक है, तो हम तीजा मॉक टेस्ट आप कंडक्ट करवावे, तो जो टेस्ट ने वीकली तुम्हें मिले करे, इदा नहीं है कि तुम एक बार परचेज कर ले तो उस तो बाद अटैम्प्ट करके ही नहीं वेख्या। ठीक है, तो मैं जो तुम्हें यह मॉक टेस्ट सेंड कराया करूँगा, हर वीक सेंड कराया करूँगा एक मॉक टेस्ट सोमवार को। ठीक है, तो टोटल जो मॉक टेस्ट होंगे 5 मॉक टेस्ट होंगे जो तुम इसको परचेज करोगे, जो कि तुहाडे 1 मंथ तक चलेंगे। ठीक है, तो उस तो बाद जो तुम मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया तो तुम अपने स्कोर दसने होंगे। ठीक है, तो जो तुम अपने स्कोर दसते तो वह पूरा एक मैं फाइल बना के तुहाडे सामने अगले दिन पेश कराया करूँगा कि तुहाडे मार्क्स किन्ने ने अते बाकियां दे मार्क्स सेम टेस्ट दे विचों किन्ने ने। ठीक है, तो इस दे नाल आपां नूं एग्जाम दे विच जो डर हुंदा है, जो उत्थे एग्जाम देने का डर हुंदा वो भी निकलता अपना। ठीक है, क्योंकि आपां सेम पैटर्न दे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके वेखे ने। ठीक है, तो 120 जो क्वेश्चन ने 2 घंटे अटैम्प्ट करके वेखे ने। तुम वेख्या होगा कि पिछली बार बहुते कैंडीडेट यहोजे ने जोड़े कि कहें हो कि साढ़े तो टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं हुए। वह कारण की सगा कि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट नहीं करनी, उन्होंने पहला मॉक टेस्ट नहीं लगा के वेखे। जो उन्होंने पहला मॉक टेस्ट लगा के वेखे होंगे तो उन्होंने 120 जो क्वेश्चन से वो 2.5 घंटे सॉल्व होने चाहिए सके। ठीक है, ऐतकी तो फिर भी अपन जो घंटे ने घटा दते गए ने, 2 घंटे कर दते गए ने, तो रीजनिंग 80 क्वेश्चन तो 40 क्वेश्चन कर दते गए ने। ये बेनीफिट हैगा थोनू, लेकिन हले भी मैं की चीज़ वेखदा भी जो मैं कैंडीडेट्स क्वेश्चन पेपर सेंड करदा, मॉक टेस्ट सेंड करदा, तो उन्होंने हले भी 2 घंटों के जो पूरा पेपर है अटैम्प्ट नहीं हुंदा। ठीक है, तो यही चीज़ आप सैट करनी, आप 2 घंटों के टाइम में मैनेज करना है, तो 2 घंटों के 120 जो क्वेश्चन है उन्होंने पूरा पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कदों तुम्हें पता लगेगा जो तुम मॉक टेस्ट लगा के वेखोगे। तो मॉक टेस्ट जेकर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो 7307474774 के उत्ते व्हाट्सएप कर सकते हो। ध्यान दे विच रखना है कि तुसी सिर्फ व्हाट्सएप करना है, क्योंकि काफ़ी सारिया कॉल्स मैं डेली आउंदियां ने, तो जिस करके मैं किसी की भी कॉल पिक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो हुण भी जेकर तुसी मैं कॉल करोगे तो मैं कॉल तुहाडी पिक नहीं करूँगा। तुसी व्हाट्सएप करके जो अपनी रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हो, तो पहला जो तुहाडा मॉक टेस्ट है वो तुहानूं सोमवार को मिल जाऊगा, तो वो तुसी अटैम्प्ट करके वेखना होगा, तो मंगलवार को उहदा जो रिजल्ट है तुहाडे सामने रख दिता जाऊगा। ठीक है,